क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट विद एग्जांपल, मतलब इसमें क्या क्या कवर करेंगे देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। क्या नाम है चैप्टर का? नंबर सिस्टम। और ये नाइन्थ क्लास का टॉपिक है जरूर, बट कुछ भी अलग नहीं है, सब पढ़ चुके क्लास सिक्स सेवन्थ और एट्थ में। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर तो हम लोगों ने जो पढ़े, सिस्टम मतलब कलेक्शन, तो नंबर सिस्टम हो गया कलेक्शन ऑफ अ नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग पढ़ लेंगे नॉलेज के लिए। जो सबसे बेसिक जो हमको पढ़ाया जाएगा वो हमको पढ़ाया जाएगा नेचुरल नंबर। क्या पढ़ाया जाएगा जी? नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद हमको पढ़ाया जाएगा होल नंबर, होल नंबर। उसके बाद इस चैप्टर में डिस्कस होगा थोड़ा सा इंटीजर के बारे में, और फिर उसके बाद रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है, और फिर रैशनल का अपोजिट इरेशनल नंबर के बारे में बात होगी। मतलब ये पांच नंबर्स हैं जिनके बारे में इस एक्सरसाइज में बात होनी है, इस चैप्टर में बात होनी है। एक्सरसाइज में तो इरेशनल नहीं है, इसके लिए 1.2 है, पर इतना आपको आना चाहिए इसमें। लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जैसे जो कि पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे, और कंपोजिट नंबर क्या होता है। बट ऐसा एनसीईआरटी मानती है कि हम लोग ये बच्चे लोगों ने सिक्स सेवन एट्थ में पढ़ा, इसलिए डिस्कस नहीं किया उन लोगों ने। और एक हमारा को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर हमारा क्या होता है। कहने को ऐसे और भी नंबर मिलेंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन एंड ऑड नंबर, रियल नंबर, और भी डिस्कस कर लें। अगर नॉलेज के लिए बात करते हैं तो एक होता है परफेक्ट नंबर, जो कि काफ़ी हम लोग मतलब पढ़ते हुए आए हैं, और एक हमारा होता है यूनिक नंबर, सुने नाम इनके, यूनिक नंबर हमारा होता है। और एक मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, एक गोगलो नंबर था, पढ़ा था उसका शॉर्ट्स बनाया था अगर याद होगा तो। काफ़ी सारे नंबर है, और एक हमारा साइक्लिक नंबर भी होता है जिसमें नंबर्स का रिपीटेशन होता रहता है। और एक हमारा और नंबर था जिसका नाम है गोल्डन नंबर, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका डिवाइड करके 1.81 आता है, ऐसे नंबर को। तो काफ़ी नंबर्स हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना आपको आना चाहिए। और एक एक करके ये डिस्कस होगा, और आज ऐसा डिस्कस हो जाएगा आज के बाद ये कहीं भूल ना, नोट्स बना लें अच्छे से इनको, ठीक है। मैंने जो रेड मार्कर से लिखे ये सिलेबस के हैं, इतना आपको आना चाहिए सिलेबस के लिए, ये नॉलेज के लिए। और टेंथ क्लास का पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, अगर आप अच्छे से समझोगे तो रियल नंबर भी हम लोग टेंथ का भी चैप्टर वन कवर कर लेंगे। क्योंकि यार मैथ एक ऐसा टॉपिक जहाँ पर कोई चीज़ पढ़ो तो नंबर को मतलब दिमाग में मत रखो, नॉलेज को रखो। तो अब देखो नेचुरल नंबर बहुत ही सिंपल है, ऐसे नंबर जो कि कहाँ से स्टार्ट, वन से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं, और इनको एक और नंबर बोला जाता है काउंटिंग नंबर भी इनको बोलते हैं। क्या? क्योंकि काउंटिंग हमेशा वन से स्टार्ट होती है, जैसे आपके स्कूल में रोल नंबर्स वगैरह होते हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो इनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। और नेचुरल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। नेचुरल का कैपिटल एन ले लिया, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे कैपिटल एन है तो उसको माना कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर या कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है सर। अब आता है होल नंबर, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर में क्या आ रहा है जी? पहले डब्ल्यू आ रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। अच्छा, इंटीजर जो होते हैं, बहुत से बच्चे मतलब इंटीजर की जो डेफिनेशन पूछी जाती है तो बच्चे कहते हैं सर जो नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, ये गलत डेफिनेशन है। नेगेटिव और पॉजिटिव तो उसमें ज़ीरो तो आता ही नहीं है, तो इसीलिए बहुत ही सिंपल और इसको समझते चलना, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। क्योंकि ये इसलिए ऐसा बोला गया, होल नंबर्स क्या होता है जो जीरो से स्टार्ट हो, जीरो वन टू थ्री अप टू सो ऑन, और नेगेटिव नंबर माइनस वन माइनस टू, तो उसमें जीरो भी आ गया, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है।
अगर आप कहते हैं ना कि सर जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं तो उसमें जीरो नहीं आता, क्योंकि जीरो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज़ अ न्यूट्रल, उस पर कुछ होता ही नहीं चार्ज, तो इसलिए ये करेक्ट डेफिनेशन है। और इंटीजर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत से बच्चे बोलेंगे यार ये W था, समझ आया था कि ये जेड से रिप्रेजेंट किया, जेड से रिप्रेजेंट करते इसलिए हैं क्योंकि एक जर्मन शब्द होता है, एक जर्मन का इन्होंने वर्ड लिया था जिसका नाम था जहलेन, JAHLEN, जहलेन का मतलब होता है किसी चीज़ को काउंट करना। जैसे होता है ना कि हम लोग अगर हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं 1, 2, 3, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में काउंटिंग नंबर, ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज में काउंटिंग नंबर्स को बोला जाता है जहलेन, तो उस वहाँ से ये इंस्पायर होकर नंबर लिया गया तो इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नॉलेज के लिए एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि इसको जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक ये जर्मन सबसे लिया गया है, ठीक है सर। तो इसको जेड से, आई तो मतलब इंटीजर का है ही। रैशनल नंबर, इसमें रैशनल नंबर कहने को ज़्यादातर बच्चों को ये डेफिनेशन रटी हुई कि सर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, क्यू जीरो नहीं होता। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लास 8th का तो पहला चैप्टर का नाम ही है रैशनल नंबर, और 9th में भी हम पढ़ेंगे दबा के, तो रैशनल नंबर वही रटी हुई डेफिनेशन। लेकिन आज हम आपको थोड़ी सी इसकी एडवांस डेफिनेशन भी बताएंगे और काफ़ी कुछ नया सीखेंगे रैशनल नंबर के बारे में। देखना, एक नॉर्मल डेफिनेशन कि सर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होती है और क्यू जीरो नहीं होता है, नॉर्मल बच्चा इतना बोलता है। और थोड़े से और पढ़े लिखे होते हैं वो ये भी कह देते हैं पी एंड क्यू आर इंटीजर, इतना तक बच्चे लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जो छोटे लेवल पे बच्चों को समझाने के लिए बहुत होती है। अब देखना यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि 4/6 रैशनल नंबर है बताओ, सारे बच्चों बोलेंगे रैशनल नंबर है। अब थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे ना तो मना होगा यहाँ पे कि 4/6 रैशनल नहीं है। अब एक बच्चा बोलेगा सर क्यों नहीं यार, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू जीरो नहीं है। ये अभी और सॉल्व होगा, ये अभी क्या होगा और सॉल्व होगा, जैसे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये अब सॉल्व नहीं होगा। तो 2/3 को तो रैशनल नंबर बोला जाएगा, फिर सर 4/6 को क्या बोला जाएगा, 4/6 को इक्वावेलेंट रैशनल नंबर, इक्वावेलेंट रैशनल नंबर। तो एडवांस डेफिनेशन क्या होगी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, क्यू इज नॉट जीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब आप कहोगे सर ये क्या बात होगी, को प्राइम तो मैं आपको पढ़ा था, पर हम लोग पढ़ के आए को प्राइम का नंबर, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उन दो नंबर, को का मतलब होता है दो, ठीक है, और प्राइम नंबर, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखो 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन है, नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे 8/10 ये रैशनल नंबर है, नहीं, ये इक्वावेलेंट रैशनल नंबर, क्यों, क्यों 8 और 10 में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 8 और 10 को प्राइम नहीं है। इनको सॉल्व करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5, अब देखो 4 और 5 को प्राइम नंबर, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको बोला जाएगा रैशनल नंबर और 8/10 को इक्वावेलेंट रैशनल नंबर। अब एक और डेफिनेशन, ये तो हो गई, देखो यहाँ तक की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है 6th, 7th, 8th को, थोड़ा सा और बड़े आगे 8th क्लास में ये पढ़ा दिया गया, अब ये हमने पढ़ा 9th क्लास में, किस में पढ़ा, नंबर एक ही है, देखो रैशनल नंबर एक ही है, 6th तक डेफिनेशन ये, 7th, 8th में ये आ गई, और 9th में ये, 10th में जाओगे तो क्या बोला जाएगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। मतलब सर ये क्या हो गया, रिपीटिंग का मतलब होता है किसी नंबर का रिपीटेशन होना, उसका एक और नाम होता है रिकरिंग, मतलब किसी नंबर का बार बार आना, और नॉन मतलब नहीं, और टर्मिनेटिंग मतलब जो जिसका कभी एंड ना हो। जैसे एक बात सुन लेना, 1/3 रैशनल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है रैशनल नंबर, कि 1 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन है, डिवाइड करो इनका तो आंसर आएगा 0.66666, कहाँ तक जाएगा, अप टू सो ऑन, जाता रहेगा, इसका इसका कभी एंड ही नहीं होगा,
यस और नो? वन अपॉन थ्री का डिवाइड करोगे तो क्या कभी एंड होगा इसका? नहीं, वो जिंदगी भर चलेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा ये, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब इसका डिवाइड कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। और रिकरिंग का मतलब नंबर का रिपीटेशन होना, सिक्स का देखो रिपीटेशन होगा, सिक्स बार बार आ रहा है, तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। क्लियर है? हैं? अरे यार, तो 2/3 ले लो, हाँ 2/3 ले लो, इसका डिवाइड करें तो 0.666 जाएगा। कहने का मतलब यह है कभी भी एंड नहीं होगा इसका, कभी भी एंड नहीं हो सकता। तो 6 का बार बार रिपीटेशन हो रहा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.6 बार। जिसका रिपीटेशन होता है उसके ऊपर एक हम लोग बार लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है कि 6 का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये भी डेफिनेशन है एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या चमका? अगर कोई आपसे पूछे पी अपो की रैशनल नंबर की डेफिनेशन, आप ये बोल दोगे तो टीचर कहेगा ये क्या यार, क्योंकि नॉर्मल बच्चों ने यही डेफिनेशन पढ़ी ना इसकी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारी ठीक है, पर वो लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ता गया है वो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना भैया? कोई ये बात समझे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का मीनिंग क्या हो गया? अब एक बच्चा बोलेगा सर अब 4/5 है सर, इसका डिवाइड करो तो सर ये 0.8 आ गया, अब ये तो आगे नहीं जा रहा, तो ये क्या होगा? टर्मिनेट। जो टर्मिनेट मतलब जो ख़त्म हो जाता वो तो होता ही है, और जो नहीं ख़त्म होता वो भी होता है। क्लियर है? अच्छा, फिर सर इरेशनल नंबर, देखो अभी तो केवल मैं इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ही बताऊंगा, फिर 1/2 में इसका पूरा इतिहास बताऊंगा कि जिसके चक्कर में एक बच्चे की जान भी चली गई थी, हिप्पा कसकर के नाम था, जिसको नदी में डुबो के मार दिया गया था, कि किन्होंने मारा था? पाइथागोरियन ने, मतलब पाइथागोरस से जो लोग ट्यूशन पढ़ते थे उन्होंने मार दिया था, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट इरेशनल नंबर की केवल डेफिनेशन समझते हैं। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, मतलब जिनका कभी एंड नहीं होगा और जिंदगी भर किसी नंबर का रिपीटेशन भी नहीं होगा, जिंदगी भर किसी नंबर का रिपीटेशन। जैसे पाई, जैसे क्या पाई, और आज देखो मतलब कोइंसिडेंस रहता है कि आज पाई डे भी है, 14 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते ना पाई डे, सबसे पहले ये मनाया गया था, सबसे पहले जो सेलिब्रेट हुआ था 1989 में हुआ था, ठीक है, पाई डे आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आइंस्टाइन पैदा हुए थे उस चक्कर में हुआ था, और जो भी कुछ है आज पाई डे है। और क्यों इसको चुना गया? क्योंकि 3 मार्च पहले लिखा, 14 तारीख, तो इसकी वैल्यू 3.14 होती ना, इस चक्कर में ऐसा सिलेक्ट किया। तो पाई हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू आज तक कोई नहीं बता पाया, लाइफ टाइम चलती रही है, और किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और देखो और एग्जांपल लो इसका, जैसे √2, √2, √3, इनकी वैल्यू आप निकालो, जिंदगी भर आंसर आता रहेगा। और 1.01001001 इस टाइप के जो ये सब एग्जांपल किसके हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो 9th का हो गया। अब ये जल्दी से आपको बता देते हैं, प्राइम नंबर, ऐसे नंबर ये इनके नाम में आ रहा है प्राइम, ये प्राइम लोग हैं, ये ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, केवल अपने आप से बात करते और वन से बात करते, ज़्यादा किसी को भाव नहीं देते ये। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो केवल वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है जी? 2। और फिर 2 के बाद 3 आया, फिर 5 आया, 7 आया, 11 आया, 13 कंपोजिट, और तो इसमें कुछ बताना नहीं है। ठीक है, 25 होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 25। वो मैंने कंपोजिट बता दिए थे, 25 होते हैं। चलो जी, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होते हैं। क्या चपका? ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होते, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। स्मॉलेस्ट, अरे भैया कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या कंपोजिट नंबर? क्यों? ये दो, जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे मान लो 4 हो गया हमारा, 4 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, और 4 की टेबल में, तो दो से अधिक फैक्टर हो गए तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। को प्राइम नंबर बता चुके, ऐसे दो नंबर जिनका HCF1 होता है, मतलब जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जैसे हमारा हो गया 4 और 5, 8, 9, ये दो आते हैं पेयर में, 8 और 9 में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF निकाल लोगे बनाएगा, निकालना आता है HCF, नहीं भी आता छोड़ो, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है,
ट्विन प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस टू होता है, जिनका डिफरेंस टू होता है, जैसे भैया 5.7, देखो 5 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है, डिफरेंस कितना हो गया जी? अब जैसे हमारा 41 और 43 ये क्या हो गया हमारे ट्विन प्राइम नंबर, और ये 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं? 8 होते हैं, कितने होते हैं ये? 8 होते हैं, ठीक है जी। चलो इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर, 0 इवन नंबर है, 0 जो है कि वो क्या है? इवन नंबर है। ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। और रियल नंबर, ये बहुत अच्छा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे, हल्का हल्का जान लो, कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, जैसे एक रैशनल नंबर 2 है, इरेशनल नंबर √3, इनको ऐड किया तो ये हमारा रियल नंबर हो गया। और जान लो दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर है, दुनिया में जितने नंबर हैं 2, 3, 4 ये सब रियल नंबर है, नेचुरल नंबर होल ये सारे के सारे क्या हैं जी? रियल नंबर। केवल और केवल इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते। अब इमेजिनरी क्या होते हैं? जैसे रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, इनका आज तक कोई आंसर नहीं बता पाया, तो ये इमेजिनरी, इनका केवल इमेजिन कर सकते हैं बस हम लोग, आंसर नहीं निकाल सकते। आगे की बात है छोड़ो। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिनका हमने फैक्टर किया और उनको ऐड कर दिया तो वही नंबर हमको मिल जाता है। जैसे जैसे 6 लो, 6 के फैक्टर करो, 6 का फैक्टर किस किस में आता है देखना, 1 में आता है और किस में आता है? 2 में आता है और किस में आता है? 3 में। 3, 2, 5 और 1, 6 ऐड करो, देखो 6 आ गया, ठीक है। तो ऐसे 6 इज अ परफेक्ट नंबर, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। क्या चमका? खुद को मत लेना, खुद को नहीं लिया जाता, ठीक है। किसी भी नंबर के फैक्टर करो 1 से और उनको ऐड करो, और अगर वही नंबर आ जाए तो उस नंबर को परफेक्ट नंबर, जैसे 28 भी हमारा होता है, ठीक है। यूनिक नंबर, यूनिक का मतलब था अद्वितीय, मतलब इसके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जो कि 1 होता है हमारा, केवल एक ही एग्जांपल है इसका 1, यूनिक का मतलब होता है 1, तो 1 इज अ यूनिक नंबर, क्योंकि 1 का डिवाइड किसी के साथ भी हो जाता है, इसके बहुत ज़्यादा एटीट्यूड नहीं है इसका। भाई साहब सारे नंबर बता दिए आप लोगों को, या और कोई रह गया तो बताओ। चलो कोई आ रहा दिमाग में? कोई है? कोई आ रहा दिमाग में? 2-3 गलतियाँ हुई यार, वो देख लो। एक तो ये कि स्मॉलेस्ट मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं भैया 25 होते हैं यार, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। और क्या गलती लगी मुझे? डिवाइड तो आते होगा तुम लोगों को, यहाँ पे 1 था, और छोड़ो और तो सब ठीक है ना। इतने सारे नंबर में कोई डाउट किसी को? पक्की बात है, ज़्यादा हो गया क्या? एक आध और हो जाए? चलो नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है यार, नंबर तो आ ही जाएंगे तुम्हारे। हाँ कोई दिक्कत? सर हमने देखा ही नहीं। कोई दिक्कत बेटे? ठीक है, चलो छापो इसको अच्छे से, नोट्स बनाना इसके।